मेरे 7 वर्ष के संसदीय कार्यकाल में आज तक किसी पुरुष ने इस प्रकार की किसी भी सदन में हिमाकत नहीं की। ये विषय महिला का नहीं है। इस सदन में और दूसरे सदन में भी कई पुरुषों ने अपने राजनीतिक सामाजिक कार्यकाल में महिला के संरक्षण के लिए सम्मान के लिए आवाज उठाई है। लेट अस नॉट रिड्यूस इट टू अ विमेन्स प्रॉब्लम। दिस इज अ ब्लॉट ऑन ऑल लेजिस्लेटर्स इंक्लूडिंग मेन सर। यस यस, दिस इज नॉट अ हाउस वेयर मेन कम इन ताकि किसी औरत की आंखों में झांका जाए। एंड व्हाट वाज रिपग्नेंट was that a leader stood in solidarity with the left. My appeal to you, sir, irrespective of our political differences, the entire nation watched yesterday. कैसे ये सदन शर्मसार हुआ? इस सदन में बातचीत प्रिविलेज होती है। अगर महिला के साथ इस प्रकार की बदतमीजी सदन के बाहर होती तो वो पुलिस का संरक्षण मांगती और उसे मिलता। सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस का बिल इसी सदन ने पास किया और हम चुपचाप बैठकर महोदय मुखदर्शक नहीं बन सकते। मंत्री के नाते नहीं, महिला सांसद के नाते नहीं, आज सांसद के नाते पूरे सदन को मेरी अपील है, ये मैसेज भेजे कि महिला चाहे किसी भी पक्ष की हो, इस सदन का प्रिविलेज मिसयूज नहीं होगा एक महिला का अपमान करने के लिए। महोदय, बाहर पुलिस का संरक्षण है, यहाँ आपका है। मैं अपील करूंगी कि सदन में पॉलिटिकल डिफरेंसेस छोड़ के, जेंडर डिफरेंसेस छोड़ के, हमें एक स्वर में बोले, यू कैन नॉट मिसबिहेव विद अ वुमन एंड गेट अवे विद इट बट जस्ट ड्रामेटाइजिंग इट एंड सेइंग मैं रिजाइन कर दूंगा, या आपको गलत फहमी हुई है। तो कोई विरोध नहीं करते हैं सर, कोई विरोध करने के लिए खड़ा नहीं हो सर, हमें भी तो कुछ बोलना है। जब ये विषय उठा था सर, तो मैं सदन में था सर, जिस तरह के भाषा का प्रयोग किया मैंने उसी समय आपत्ति किया। माननीय रमा जी बहुत ही सुलझी हुई आदरणीय नेता हैं, महिला अपनी जगह पर हैं और बहुत वरिष्ठ हैं, वो सदन की कुर्सी पर हैं और जैसे शब्दों का प्रयोग किया वो इतने शर्मिंदगी भरे थे कि मैं उसको रिपीट नहीं कर सकता हूँ। या तो माफी मांगे अथवा उनको सदन से अंदर आने पर सस्पेंड किया जाए, ये मांग करते हैं, ये हमारी मांग है। अध्यक्ष जी पहले आप बोलना चाह रहे हैं, पहले आप बोलो। पहले सर, बात यह कि सर हिंदुस्तान में जोग जोग हम महिला को मां की रूप से हम मानते हैं, सम्मान करते हैं, सदन के अंदर नहीं, सदन की बाहर कहीं भी, सारे दुनिया में कहीं भी अगर महिला के ऊपर कोई असन्मान होते हैं, कोई अशोभन होते हैं, तो हम हिंदुस्तान के कोई लोग इसके समर्थन नहीं करते और इसको विरोध करते। लेकिन सर, ये जो इल्जाम यहाँ उठा जा रहे हैं, जो शिकायत दर्ज किया जा रहे हैं, उस विषय में जिन लोगों के खिलाफ ये शिकायत दर्ज किया जा रहे हैं उन लोगों की कोई बात हमें सुनने को नहीं मिलता है। लेकिन महिला मेरे बात सुनने को दीजिए ना, मेरे बात बोलने को सर, एटलीस्ट आई शुड बी हार्ड सर। नहीं, मैं किसी को समर्थन, मैं कोई असमान आचरण को नहीं समर्थन करते हैं। मेरा कहना ये है, जिन लोगों के खिलाफ ये शिकायत है, उन लोगों को क्या कहना है वो मुझे जानकारी नहीं है। माननीय, हम महिलाएं आज बहुत बड़ी संख्या में संसद के अंदर हैं, और मैं खुद एक सामान्य परिवार में जन्म ली हूँ, उसके बाद अपने पिताजी के संघर्षों के माध्यम से मैं एक राजनीतिक परिवार से जुड़ी हूँ। मैं बहुत भली भांति इस चीज का एहसास कर सकती हूँ माननीय, कि महिलाओं पर, चाहे वो सामान्य परिवार की हो,
या किसी राजघराने की हो, राजनीतिक परिवार से हो, उसके ऊपर समय समय पर टीका टिप्पणी होती रही है। पहले भी हमारे तमाम महापुरुषों ने भी महिलाओं के हक और सम्मान के लिए लड़ा है। आज मान्यवर मैं इसलिए आपके सामने खड़ी हुई हूँ कि कल जो सदन में हुआ है, हमारे बीच की ही एक सांसद जो पीठासीन सभापति के रूप में बैठी थी, मान्यवर उन पर जो कमेंट किया गया है, अशोभनीय शब्द का जो प्रयोग किया गया है, माननीय सांसद को उसके लिए क्षमा मांगना पड़ेगा। मान्यवर, उन्होंने इस्तीफे की बात की है, हमें इस्तीफे से नहीं मतलब है, हमें क्षमा चाहिए, उन्हें माफी मांगना होगा। मान्यवर आकर के सदन में, मान्यवर उन्हें सदन में आकर माफी मांगना होगा। कल जो इस सदन में हुआ उससे ये लोकतंत्र का मंदिर, ये सदन ही शर्मसार नहीं हुआ है, बल्कि पूरा देश शर्मसार हुआ है। और पूरे देश को इस बात की तकलीफ है कि हम जिस लोकतंत्र के मंदिर के प्रति इतनी आस्था रखते हैं, वहां हमने कैसे नुमाइंदे चुनकर भेजे हैं। और मुझे लगता है कि जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से हमारे माननीय सदस्य, जिन्होंने ऐसी अशोभनीय टिप्पणी की है, चुनकर आए होंगे, आज उनके पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों का सर शर्म से झुका होगा कि हमने कैसे व्यक्ति को यहाँ चुनकर भेजा है। हमारी रमा देवी जी पार्लियामेंट की, लोकसभा की सीनियर मेंबर है, सीनियर एमपी है, और मैं जब उनको देखती हूँ अध्यक्ष महोदय, तो मुझे उनके अंदर अपनी माँ का नजर आता है। हो गया। और हम लोगों से जब भी वो बात करती हैं, तो एक माँ के समान स्नेह हमको देती हैं। शी इज अ वेरी एक्सपीरियंस पार्लियामेंटेरियन, वी नीड टू लर्न अ लॉट फ्रॉम हर, एंड वॉट एवर हैज हैपेंड इन दिस पार्लियामेंट इज वेरी अनग्रेसफुल। और मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि ऐसी घटनाओं को भविष्य में होने से रोकना है तो आपको कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी होगी। पूरा सदन आपसे मांग करता है, मैं महिला होने के नाम से आपसे मांग कर रही हूँ। हमारे सभी मानद सदस्यों ने इस विषय को उठाया, कल जो घटना घटी उसका भाव ये था कि हमारे सदस्य भी हर्ट हुए। उस समय जो हमारे मंत्रिपरिषद के सदस्य बैठे थे, उन्होंने भी इस पे आपत्ति दर्ज करी। हमारे रविशंकर जी ने की, अनुराग सिंह ठाकुर ने की, हमारे किशन रेड्डी जी ने की, हमारे पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत निशिकांत दुबे जी ने रूल 10 पढ़ करके सुनाया कि यहाँ चेयर पे जो बैठने वाला होता है वो स्पीकर के समान होता है, वो आदर स्पीकर को जो हम आदर देते हैं वो ही आदर देना चाहिए, चाहे आदमी बैठा हो चाहे पुरुष बैठा हो। मानव सदस्य रमा देवी जी बहुत सीनियर हैं, इन्होंने ऐसा कुछ भी रमादेवी जी ने नहीं टोका, जिसकी वजह से उनको ऐसा एक कुटिल भाव वाला शेर पढ़ने की जरूरत थी। यहाँ वो जो शेर था उसमें वो अभद्र भी था, उसमें भाव भी कुटिल थे। आज मैंने कई साहित्यकारों से इसमें संबंध में चर्चा की, वो कहते हैं कि ये द्विअर्थी शेर पढ़ने की इनकी आदत रही है। ये सदन के बाहर भी ऐसे महिलाओं का अपमान करते आए हैं और यहाँ सदन में इस तरह का शेर पढ़ने की उनको आवश्यकता नहीं थी। अब सबका विषय आपके सामने आ गया, मेरा आपसे अनुरोध है कि इस विषय पे आप सर्वोच्च हैं, आप सभी दलों की बैठक बुला लें और ऐसी सजा मिले जिससे कोई भी आदमी, किसी भी महिला, चाहे कहीं भी महिला सांसद का अपमान करने की हिम्मत नहीं कर सकती। मेरी आपसे गुजारिश है स्पीकर साहब कि आप यकीनन फैसला लीजिए और पूरी रुदाद आपके सामने है। यहां पर तमाम हमारे काबिल ख्वातीन अराकीन ने अपने एहसास से वाकिफ कराया, मैं भी उनके साथ हूं, मगर मैं आपके जरिए से हुकूमत से एक बात कहना चाहूंगा कि आपके रूलिंग पार्टी में एमजे अकबर के ताल्लुक से ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स मीट इवेंट बनाया गया, कहां गए उसकी रिपोर्ट? दैट इट्स वेरी वेरी encouraging to see members stand up, all wanting to speak in one voice about what happened yesterday in the house. Utterly condemnable conduct. I'm not repeating. Honorable Minister Babul Supriyo is right when he says none of us will choose to repeat those words. But yet, the entire country watched it, even as the session was going on here and later in the night when it was all being repeated. I'm extremely grateful to every honorable member who stood up
in support of this absolutely emotional moment where all of us are offended, not just because a woman has been spoken so badly, but a woman who's occupying the chair. Yes. Every time we repeat to ourselves here, saying we better conduct ourselves in such a way, as the nation is watching us, conduct ourselves in such a way that we respect the chair. And in the chair, when a woman is seated, it's not an easy position to reach for a woman, but a woman reaches there. And a respectable member of parliament who's been in the house for several years. This was visibly seen by everybody. And at this time, I wish to underline the fact, and at this time, to again politicize an issue related to women is outrageous. Let's all stand together, speak in one voice, which is what I thought was happening here. Why is that hesitation? Why is that dilemma? Why